हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त रजनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ट्राई सिटी प्रॉपर्टी डॉक्टर्स पे। अगर आप चैनल पे नए जुड़े, सबसे पहले मैं बोलूंगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, आपकी जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मैं एक और इन्वेंट्री आपसे शेयर करने वाली हूँ। आज हम आए हैं पॉश सेक्टर 79 सेक्टर में आपके लिए बिल्टअप हाउस लेके, जिसमें काफी अच्छी आपको अंदर लेआउट अच्छा मिल जाता है और स्पेस काफी अच्छा है। और 160 गज का ये आपको बिल्टअप हाउस मिलेगा, तो क्लासिक डिजाइन के साथ डिजाइन कर रखा है। और यहाँ पे आपको 2 बेडरूम आपके ग्राउंड फ्लोर पे, 2 बेडरूम आपके फर्स्ट फ्लोर पे, और 2 बेडरूम ही आपके रहेंगे टॉप फ्लोर पे। तो काफी क्लासिक डिजाइन रहेगा। ये जो इन्वेंट्री है हमारी 160 गज की रहेगी, और ये हमारी जो पूरी की पूरी लेन है ये सिंगल लेन है। इसके बैक साइड पे कमर्शियल शुरू हो जाता है, तो आपको ये प्लस पॉइंट है। आपकी जो वेंटिलेशन एंड सनलाइट है प्रॉपर आपके अपनी कोठी के बीचों बीच रहेगी। अगर मैं इसके फेसिंग की बात करूं तो जो फेसिंग रहेगी हमारी साउथ फेसिंग हमारी ये कोठी रहेगी। और नियर बाय ग्रीन एरिया की बात की जाए तो बिल्कुल फ्रंट के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा ग्रीन एरिया आ जाता है, जो प्रॉपर मेंटेन है। किड प्ले एरिया, वॉकिंग ट्रैक काफी अच्छा मेंटेन है। सेक्टर की प्रॉपर्टी है गमाडा सेक्टर की, 79 पॉश सेक्टर की। तो देरी ना करते हुए कोठी को विजिट करते हैं, जिसमें जैसे कि आप पीछे देख ही रहे हैं मेरे, क्लासिक डिजाइन के साथ ये कोठी रहेगी हमारी, जिसमें काफी खूबसूरत आप देख सकते हैं काफी अच्छा डिजाइन है। और अगर आप अपने लिए 79 या मोहाली में कोई भी प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, अगर कोठी देख रहे हैं, बिल्टअप हाउस देख रहे हैं अफोर्डेबल में, तो दोस्तों ये ऑप्शन जरूर शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो देरी ना करते चलते हैं अपने कोठी के अंदर। सबसे पहले उससे पहले मैं पार्किंग की बात करूंगी। पार्किंग हमारी काफी अच्छी मिल जाती है आपको, क्योंकि ग्रीन एरिया बिल्कुल आपके पास है, तो उसके फ्रंट पे भी आपका काफी अच्छी कार पार्किंग आपको मिल जाती है। वहां पे आप अपना बरम पे अपनी कार पार्क कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास काफी अच्छा बरम एरिया मिल जाता है, जिसमें आपकी इजिली यहाँ पे 2 गाड़ियां पार्क हो सकती है। ये हमारी मेन एंट्रेंस रहेगी, आप देख सकते हैं एक आयरन का गेट रहेगा। अंदर आते ही हमारे पास यहाँ पे भी आपको 2 व्हीलर की स्पेस मिल जाती है, एक अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको यहाँ पे। और इस साइड आपको आप अपनी जैसे गमले यहाँ पे लगे हुए हैं, वैसे भी आप अपना गमले लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको टैब की प्रोविजन मिल जाती है, काफी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। और अब चलते अंदर, आपको दिखाती हूँ हमारी इस कोठी को। आपका जो घर है ये इंडिपेंडेंट रहेगा, अगर आप नीचे खुद रहते हैं ऊपर आप रेंट आउट करते तो इजीली आप रेंट आपका रेंट आउट हो जाएगा। तो इजीली आप यहाँ पे 2 BHK का जो रेंट है यहाँ पे 22 से 25 हज़ार आप इजीली रेंट ले सकते हैं। तो आपकी जो स्टेयर्स है वो बाहर से रहेंगी, आप जैसे मार्बल रहेगा और यहाँ पे वुडवर्क रहेगा, आयरन की यहाँ पे रेलिंग रहेगी प्रॉपरली। यहाँ पे एंट्रेंस में हमारा मेश डोर आ जाता है, साथ ही आपका वुडन का डोर आ जाता है, जिसमें आप देख सकते काफी अच्छा वर्क है यहाँ पे और काफी अच्छी वुड भी है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे हमारी एंट्रेंस मिल जाती है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊंगी हमारा लिविंग एरिया। दोस्तों ये रहेगा हमारा लिविंग एरिया, जिसमें ऑलरेडी हमारा सोफा इंस्टॉल्ड है। ये मैं आपको बता देती हूँ हमारी रीसेल की इन्वेंट्री रहेगी, सिंगल यूनिट है और 160 गज में है। और आप देख सकते हैं ये हमारा लिविंग एरिया है, प्रॉपर सनलाइट इस टाइम आ रही है प्रॉपर। और आप देख सकते हैं एज इट इज आपको मिलेगी, वॉलपेपर आप देख रहे हैं एज इट इज रहेगा, जैसे ऊपर डिजाइन देख रहे हैं POP डिजाइन एज इट इज रहेगा। और लिविंग एरिया के बिल्कुल सामने हमारा आ जाता है डाइनिंग का स्पेस। डाइनिंग का स्पेस भी आपको एज इट इज रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं 6 सीटर ऑलरेडी इंस्टॉल है, फिर भी मूव करने के लिए काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। ये हमारी क्रॉकरी के लिए रहेगा, ये एज इट इज आपको रहेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस कोठी में आपको पाउडर वॉशरूम भी मिल रहा है, जो हमारे बिल्कुल एंट्रेंस पे आ जाता है। ये हमारा पाउडर वॉशरूम रहेगा, जो काफी वाइड रहेगा, आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस रहेगा आपका वॉशरूम। और हमारी जो किचन भी रहेगी वो ओपन में रहेगी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वुड का आपको डिजाइन मिल रहा है एंट्रेंस पे, और काफी अच्छी आपकी स्पेशियस किचन मिल जाती है। आप देख सकते हैं इस साइड आपका प्रॉपरली वेट एरिया रहेगा, और इस साइड आपका प्रॉपरली ड्राई एरिया रहेगा। और आपके जो कैबिनेट्स हैं आप देख सकते हैं सेम एज इट इज आपको ये दे रहे हैं। ये जैसे आप नीचे फ्लोर देख रहे हैं सेम एज इज आपका ऊपर का फ्लोर रहेगा, वो अभी रेंट आउट है, वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, तो मैं आपको इसीलिए आपको ग्राउंड फ्लोर दिखा रही हूँ, तो आपको आइडिया हो जाए क्या लेआउट रहेगा। दोस्तों ये रहेगा हमारा फर्स्ट बेडरूम, जिसमें आप देख सकते हैं ये हमारा रूम रहेगा, और रूम के साथ आपको अटैच आपका ये वॉलपेपर डिजाइन एज इज मिल जाएगा। अगर आप चेंज भी करना चाहते हो, आप इन फ्यूचर अगर आप ये बाय करते हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं। आपके वार्डरोब्स देख सकते हैं फुल हाइटेड रहेंगे, और आपके क्लोजेट्स काफी अच्छे हैं और स्पेशियस हैं। और सामने यहाँ पे वैसे तो हमारी ड्रेसिंग लगी हुई है, आप अगर यहाँ पे अपना LED लगाना चाहते हो तो LED भी लगा सकते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगी, क्योंकि हमारी जो कोठी है सिंगल लेन है,
तो प्रॉपर यहाँ पे आपके वॉशिंग एरिया रहेंगे, मैं आपको वॉशिंग एरिया भी दिखाना चाहूंगी एक बार। काफी अच्छा और स्पेस आपको आपके वॉशिंग एरिया में मिल जाता है, क्योंकि सिंगल लेन कोठी है तो आपके पास काफी अच्छा स्पेस आपको ये मिल जाता है, आपका बैकयार्ड मिल जाता है। और इस साइड आपका स्टोर का एरिया रहेगा, ये आपका स्टोर का एरिया आ जाता है, एक अच्छा स्पेस आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। और आपकी एक एंट्रेंस, इस साइड से भी आप एंट्रेंस कर सकते हैं, ये हमारे पीछे रोड आ जाती है, मेन रोड आ जाती है 79 सेक्टर के पीछे, बैकयार्ड यहाँ पे कमर्शियल आ जाता है। आप इजीली यहाँ पे भी अपनी एक गाड़ी पार्क कर सकते हैं, आपके पास काफी अच्छा ये प्रिविलेज रहेगा, काफी अच्छा स्पेस है। और हमारे जो दोनों के दोनों रूम है वो हमारे पीछे आपके वॉशिंग एरिया को अटैच करते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड बेडरूम। तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड बेडरूम रहेगा, इसमें आपको अटैच आपका वॉशरूम मिल जाता है, और आप देख सकते हैं स्पेस काफी अच्छा है। और जिसकी अगर साइज की बात करूं तो 12 बाय 14 का ये रूम साइज है हमारा। और इसमें भी आपको आपके वार्डरोब्स रहेंगे जो आपके देख सकते हैं फुली हाइटेड रहेंगे, और स्पेस काफी अच्छा है। इसके बीच में ही आपको आपकी ड्रेसिंग मिल जाती है, काफी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। और आप देख सकते हैं पीओपी डिजाइन मिल रही है। अगर आप कुछ यहाँ पे रेनोवेट भी करवाते हो तो मात्र आपके 5-6 लाख, अच्छा अब यहाँ पे लगा के अपने 5-6 लाख लगा के एक अच्छा इसको डेकोरेट कर सकते हैं, एक अच्छा डेकोर कर सकते हैं। इसका अटैच वॉशरूम रहेगा इस साइड, आप देख सकते हैं ये हमारा वॉशरूम रहेगा। मतलब वॉशरूम भी हमारे रूम्स के अकॉर्डिंगली काफी स्पेशियस है और लेआउट काफी यूनिक है। 2 बेडरूम आपके यहाँ पे आ जाते हैं, साथ ही अटैच आपकी किचन है, लिविंग अच्छा है, आपका डाइनिंग अच्छा है। सेम लेआउट आपका रहेगा फर्स्ट फ्लोर का, सेम लेआउट आपका जैसे एंट्रेंस पे पाउडर वॉशरूम, लिविंग एरिया, डाइनिंग, किचन, 2 रूम और पीछे आपका बालकनी एज इट इज रहेगा। और फिर अगर हम ऊपर टॉप की बात करें तो वहां पे सिर्फ 2 रूम रहेंगे और एक वॉशरूम रहेगा, किचन का एरिया रहेगा। उसमें भी आपको मतलब ये आपको जो कोठी मिल रही है 160 गज में 6 BHK हाउस मिल रहा है, वो भी पॉश सेक्टर में, जिसकी जो बैक है हमारी कमर्शियल से कमर्शियल रोड जो है हमारी मेन रोड है 79 सेक्टर की, बीचों बीच की रोड है उससे कनेक्ट करती है। पीछे उसके पीछे हमारा कमर्शियल शुरू हो जाता है 79 का। तो दोस्तों अगर आप अपने लिए 79 पॉश सेक्टर में 160 गज में बिल्टअप हाउस देख रहे हैं तो ये इन्वेंट्री जरूर शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी इन्वेंट्री बहुत रेयर मिलती है, क्योंकि ऐसा सेक्टर में इन्वेंट्री ढूंढना बहुत मुश्किल है और रेयर इन्वेंट्री आती है। तो मैंने आपके लिए लेके आई हूँ और मैंने तभी आपसे आपसे शूट किया आपके लिए। अगर मेरे कोई भी सब्सक्राइबर्स और उनके नियर बाय डियर्स कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या करना चाहते हैं मोहाली के सेक्टर में तो ये प्रॉपर्टी जरूर शॉर्ट। तो ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी लोकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।